ऐश ही नहीं हो रहा है। बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या शुगर फ्री? शुगर फ्री बताइए, ये दोनों जा रहे हैं तो आप भी पढ़ ली। ठीक है, बैक टू माई YouTube चैनल। आप कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो आज बना रहे हैं हम लोग मैक्रोनी बना रहे हैं और सैंडविच बनाने। पहले सोचा था नूडल्स, लेकिन सबको मैक्रोनी खाना थी, इसलिए हम लोगों ने मैक्रोनी बनाने का डिसाइड किया है। तो अभी रख दिया है, बन जाती है फिर दिखाएंगे आपको। आज इफ्तार में बन रही है मैक्रोनी और साथ ही साथ हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। तो सब चॉपिंग वगैरह सब हो गई थी, इसको बॉईल करने के लिए रखा है, चॉपिंग वगैरह भी सब कर ली है और इसके बाद सैंडविच बनाएंगे। सब लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं, दादी अपनी बातें बता रही है। दोनों नमाज पढ़ के आ गए हैं। आज उमेर का रोज़ा नहीं है, आज का रोज़ा है क्योंकि उमेर की दवा चल रही, इसलिए आज उसने स्किप करा है। आज नहीं रखा ना, नहीं रखा, आज अर्श ने रखा हुआ है और अक्षा भी नहीं है रोजे से, अक्षा की तबीयत नहीं ठीक थी। मम्मी और अपी लोग नमाज पढ़ी। सो गाइज, ये देखते हैं, चेक करते हैं मैक्रोनी बॉईल हुई या नहीं। आप बताइएगा आपको कौन से शेप की मैक्रोनी पसंद है, पास्ता पसंद है। मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, ये अपी आलू छील के दिखा रही है। मैं ये मैक्रोनी बना रही हूँ और अपी आलू छील रही है। मैंने हम लोगों ने सोचा कि ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, वही ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, आलू का छोलू बनाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। दादी क्या खाएंगी आप इफ्तार में? पकौड़ी। लेकिन नहीं दादी, आज मैक्रोनी बन रही है और दादी चल रही है। दादी चल के दिखाइए वॉकर से, क्योंकि दादी के पैरों में प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने बताया है कि दादी को अपने आप, तो पहले कौन चलाता था, अभी गिर गई थी दादी इसलिए। क्या दादी क्या हो रहा है? अच्छा, नस चढ़ जाती है पैर में। आराम आराम से चलिएगा, आराम से चलिए। हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है, मम्मी बना रही है आलू का छालू ब्रेड पकौड़े के लिए। आलू वो कर रहे हैं इतने, ये इतना हीट है कि ये मैश ही नहीं हो रहा है, शायद ये सही से बॉयल नहीं हुआ। अरे अक्षय की फ्रेंड में, एक फ्रेंड के घर पे इफ्तार है तो वहाँ जा रही है और पहली हाँ उसके भाई के बाद और पहली बार अकेले इफ्तार में जा रही है, तो बहुत शर्मा रही है। डर लग रहा क्यों? डर लग रहा ठीक है, जाओ अच्छे से, इसमें डरने वाली क्या बात है। बगल में है वैसे तो हमारा आलू का चालू बन के तैयार है। बड़ी प्यारी सी लग रही हो, क्यूट क्यूट सी, छुपी तो नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है यही रोजा खुल जाएगा तो आप सस्ती रह जाएंगी। प्लेट लगा रही है भाभी के और भी लोगों के, इफ्तारी जानी है तो उनको देने के लिए तारी देने जा रहे हैं। बाय, अल्लाह हाफिज। क्या स्कूटी पता नहीं किसकी है के? हमारे इन लोग के यहाँ इफ्तारी देने गए थे, ये लोग खुद आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अब वो हो गया है रोजे का टाइम, तो रोजा खोल के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, वीडियो कॉल आ गई थी, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं अपने पापा से। बेबो की वीडियो कॉल आ गई। इधर 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 गए। और बेबो कैसी हो? इफ्तार कर लिया? कितने रोजे हो गए? कितने रोजे हो गए? मेरे चार हो गए, एक कम हो गया ना। चलो ठीक है फिर। और सब लोग कहाँ हैं? सब लोग कहाँ हैं? सबको दिखाइए बैक कैमरे। सब रोजा खोल रहे हैं गाइस। फूफा को शुगर है लेकिन फूफा फिर भी मीठा खा रहे हैं रसगुल्ले। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से? पप्पा को जी, पप्पा को ज्यादा मीठा मत खिलाइएगा। सो शुगर फ्री मंगा दिया फिर, ठीक है।
पुप्पी बहुत गुस्सा कर रही है, पप्पा मीठा खा रहे चलिए चलिए फिर ठीक है, फिर खिला सकते हैं। का टाइम हो गया था, ये दोनों जा रहे हैं तराबी पढ़ने। ठीक है अल्लाह हाफिज। कल ऐसा आ रो, ठीक है आ रो, ठीक नहीं, इन लोगों ने खराब कर दिया, अब उसमें ऑटो कट भी नहीं हो रहा। अल्लाह हाफिज। डिनर हो गया था, मम्मी और उमेर बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं। उमेर को भी ग्रेप्स पसंद है, मम्मी को भी। A few moments later. हम लोग धीरेश अंकल के यहाँ, क्योंकि आपकी जो सूट लगी थी वो चेंज करना था, तो हम लोग अंकल के आए हैं। अभी ईद में नया भी कलेक्शन आया है, वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग सूट जी खुल गया था। और हम लोग के घर पे देखिए कौन आए हैं, अरहान और अरबी। अरहान सलाम करिए, अरहान वीडियो बन रही है, सलाम कर लो। पेंट हो चुका था नेक्स्ट डे, और अभी पुप्पी के स्टिचेस चेक कराने जाना है, तो मैं पुप्पी और उमेर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ जाकर, आपसे मिलते हैं। आ चुके हैं, अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर कब तक आते हैं। हाँ आपको नहीं ले रहे, सो गाइज यहाँ स्ट्रेचेस चेक हो रहे हैं, स्ट्रेचेस अच्छे से निकले हैं, और इन्होंने भी नर्सिंग करी हुई है, विद्यावती से है ये भी। इज हो गया है सब, बस हम लोग चलते हैं। हो गया है स्ट्रेचेस एकदम ठीक है माशाल्लाह से, अब हम लोग चलेंगे घर। जैसे घर है गजाल अप्पी और आसिफ भाई आए हुए थे अप्पी से मिलने। ये है हीरा, ओए अर्शिया, बिल्कुल जल्दी से जाइए। मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, पकौड़ी सीख रही हूँ। गजाल अप्पी को हम लोग ने रोक लिया, आज यही इफ्तार करेंगे, दूध गर्म करिए वो बिटिया के लिए। हाँ मैं दे रही हूँ कुछ, मम्मी ने बनाई है दही फुल्की, और साथ ही साथ चने बने हैं जो कि दही फुल्की के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, सॉरी ये दाल है, चने शायद इसमें होंगे, हाँ चने ये है, क्योंकि दही फुल्की के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है चनों का। तारीफ ऐसे भाई सबको दे, बहनों की हेल्प करा रहे हैं, ब्लेसिंग है ऐसे भाई होना भी। इफ्तार का टाइम हो गया है, सब लोग बैठ गए हैं, इफ्तारी भी लग चुकी है, हम लोग भी बैठ जाते हैं। सब खुल चुका है, आप देख सकते हैं। आमीन। दुआ भी हो गई। थैंक यू। खुल चुका था, आप सब बिरयानी खा रहे हैं। गजाल अप्पी कैसी लगी? गाइज ये वाला व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।